नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा अलग हटके है। चलो पहले मैं बॉयलर घुमा देता हूँ आपको। ये जो देख रहे हैं ये हमारा रेडिएटर है और इधर पड़ा मेरा स्टीम ड्रम। ओके, अभी इसमें क्या ख़ास है चलिए मैं आपको थोड़ा इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। आप ज़रा देखो, ये जो ऊपर निकला हुआ है इसमें दो वाल्व दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, दो दो वाल्व एक साथ दिया हुआ है, एक और दो, साथ में डिस्टेंस स्विच भी है। तो सवाल ये है कि ये दो वाल्व क्यों दिया है। अगर आप लोगों को मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि इसमें दो वाल्व क्यों दिया है। और मैं इसके बारे में बताऊंगा तो ज़रूर ही, लेकिन आप लोग अगर जानते हैं तो जल्दी से बता दीजिए कि ये किस चीज़ का लाइन है। ठीक है दोस्तों, आइए जान लेते हैं और थोड़ा करीब से देख लेते हैं कि आखिर है क्या। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। ये आ गए हम दोस्तों पोजीशन पे और हम अभी स्टीम ड्रम के ऊपर हैं। ये है हमारा टेम्परेचर सेंसर जो स्टीम ड्रम के अंदर का टेम्परेचर सेंस करके DCS स्काडा सिस्टम के अंदर शो करता है। और ये सेफ्टी वॉल्व है, सेफ्टी वॉल्व को भी देख सकते हैं आप। सेफ्टी वॉल्व का पर्पस तो आपको मालूम ही होगा, ये एक सुरक्षा कवच का काम करता है। और ये है हमारा लेवल ट्रांसमीटर, सॉरी प्रेशर ट्रांसमीटर। ये जो है ये प्रेशर ट्रांसमीटर है, प्रेशर गेज तो है ये हमारे पास। ये रहा प्रेशर गेज, ये है हमारा प्रेशर गेज, लेकिन ये जो है लेवल ट्रांसमीटर है। सॉरी दोस्तों, बार बार लेवल ट्रांसमीटर का जिक्र आता है। ये हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर है, ये प्रेशर को ट्रांसफॉर्म करके सीधे स्काडा DCS में शो करता है। अभी का जो डिजिट बता रहा है अभी, देख सकते हैं 23.32 समथिंग, ये टेम्परेचर शो कर रहा है। इसमें भी सेम ही है, ओके दोनों में आ गया। ओके, आपने देख लिया। और एक इंटरेस्टिंग मैटर ये भी है इस बॉयलर में कि जो भी हाई प्रेशर का बॉयलर होता है उसमें आपको लेवल ट्रांसमीटर देखने को मिलेगा, मोबरी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हाई प्रेशर बॉयलर में मोबरी नहीं देखने को मिलता है। चलिए जिस मुद्दे पे हम आए हैं अब उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। दोस्तों मेरा पॉइंट था कि ये क्या है, ये दो वाल्व लगे हैं और ये एक साथ दो दो वाल्व लगाने का क्या मैटर है और यहाँ पे ये लाइन किसका है। दोस्तों जैसे बॉयलर में एयर वेंट होता है वैसे ही ये एयर वेंट है। अब एयर वेंट तो बॉयलर के ऊपर होता है तो ये यहाँ पे क्यों है। दोस्तों दो है यहाँ पे, देख सकते हैं एक इधर से आया है लाइन और एक इधर से आया है लाइन, दोनों गया है और दोनों जाके बाहर एंड कर गया है एटमॉस्फेयर में। ये है हमारा, ये जो लाइन देख रहे हैं ये लाइन हमारा सुपर हीटर का लाइन है। ठीक है दोस्तों, ये जो लाइन देख रहे हैं इसी में से निकला है, ये है हमारा सुपर हीटर का लाइन। और आप लोगों को मालूम है कि सुपर हीटर स्टीम जो होता है हाई टेम्परेचर के साथ साथ हाई प्रेशर भी एक्सेंस करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बता दें कि ये इसकी वजह से इसमें दो वाल्व लगाए जाते हैं कि
फ्यूचर में अगर थोड़ी बहुत एक वाल्व अगर फैल कर गई तो दूसरे से हम कंट्रोल कर सकते हैं ताकि मेरा लॉसेस ज़्यादा ना हो। आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये दो वाल्व क्यों दिए जाते हैं एक साथ, बीच में जो है वो डिस्टेंस पीस है। ठीक है दोस्तों, विशेष आज के वीडियो में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ही डिस्कशन करेंगे। और थोड़ी सी मैं एक और बता दूँ आप लोगों को, ये जो देख रहे हैं आप नज़ारा, ये लो प्रेशर बॉयलर का है, ये हमारी कंपनी नहीं है, वुड्स फायर की कंपनी है, वो अभी रनिंग आवर में है। आप देख सकते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा चिमनी से स्मोक निकल रहा है, वो रनिंग में है और लकड़ा अनलोड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे यहाँ से एक नज़ारा मिलता है और एक नज़ारा ये भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये है लोकेशन केमिकल इंडस्ट्री एरिया का, और एक लोकेशन आपको ये भी मिलेगा देखने को कि प्रदूषण फैलाने में महारत हासिल करने वाले इनका क्या कहा जाए, इनके ऊपर GPCB वालों का, गुजरात बोर्ड का कोई ध्यान ही नहीं जाता है। कोई बात नहीं है दोस्तों, ठीक है, आते हैं अपने मुद्दे पे। हमने इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे, ये सेफ्टी वाल्व को सेट करना है तो हम सेफ्टी वाल्व को जब सेट करेंगे तो आप लोगों को इसका वीडियो ज़रूर देंगे। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो इसके लाने वाला हूँ एक सेफ्टी वाल्व के ऊपर। ठीक है, और किन किन लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी करनी है वो कमेंट में लिखिए, मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की सीरीज लाऊंगा। ओके दोस्तों, चलिए कुछ और देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारा साइफन है और साइफन का हाल देख सकते हो आप, ये है कंडीशन इसका। आप लोग अगर समझ गए हैं तो कमेंट कीजिए क्या समझे हैं, अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बना बताऊंगा कि ये इस टाइप का हालत कैसे हो गया है इसका। ठीक है दोस्तों, मैं इस टाइप का जो हालत इसका हुआ है, क्यों हुआ है, इसका भी मैं आपको विधिवत वीडियो बना के बताऊंगा। फिलहाल आज का वीडियो के लिए हमें विराम करने का मौका दीजिए और नेक्स्ट वीडियो लाने का मौका दीजिए। वीडियो यहाँ तक आपने देखा है इसके लिए धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।